रामनगर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में मोटर पार्ट्स और टायर विक्रेता को अचानक करंट लगने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि मोहल्ला टाउन हॉल निवासी शुएब, जिनके ट्रांसपोर्ट नगर में मोटर पार्ट्स और टायर की दुकान है, पड़ोसियों का कहना है कि दोपहर वो अपनी दुकान पर बैठे थे, इसी बीच अचानक दुकान में करंट फैल गया। तब इसकी चपेट में आ गए। चीख पुकार सुनने के बाद पड़ोस के दुकानदार भी उन्हें बचाने के लिए दौड़े। इसी बीच बिजली के करंट में दो लोगों को छटका मारकर दुकान के बाहर फेंक दिया। हालांकि दोनों लोग मामूली रूप से चोटिल हो गए हैं। इसके बाद शुएब को रामनगर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि परिजन उन्हें उपचार के लिए काशीपुर ले जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजन घटना की जानकारी पुलिस को दिए बिना ही शव अपने साथ घर ले गए। फिलहाल मृतक शुएब के घर में कोहराम मचा हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर में करंट लगने से एक मृत्यु हुई है। हाँ, ये मामला है, कौन? ये शुएब भाई हैं, टायर वाले, इनके अचानक ही डेथ हुई है करंट लगने से। अंदर पता नहीं चला किस तरीके से कहाँ से करंट आया है इसमें। तो पड़ोसी ने बचाने का प्रयास किया था? हाँ, बचाने का बहुत प्रयास करा है। ये मीटर भी बाहर से लगा हुआ था, उस पर भी लकड़ी से डंडे मार मार के उससे तार वहाँ से तोड़ा, जब जाकर के वो छूटे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले आया गया, ब्रिजेश हॉस्पिटल, वहाँ से इनको मना कर दिया था, रेफर कर दिया था, मतलब आगे के आगे ले जाओ उनको, काशीपुर ले आते, इनकी डेथ हो गई रास्ते में डेथ हो गई इनकी। उनको बचाने चक्कर में औरों को भी करंट लगा? बचाने के चक्कर में इनके भांजा है उसको भी करंट लगा है, और सामने पेंटर है उसको भी करंट ने फेंका है बाहर को। पूरी दुकान में करंट आ रहा था इनकी।